दोस्तों बॉलीवुड ड्रग्स केस में एक के बाद एक जो भी पर्सनल व्हाट्सएप चैट है वो सामने आ रही है। सुशांत सिंह का जो मामला था कि भाई आत्महत्या या फिर हत्या की गई है, वो जो जांच होने वाली थी वो बिल्कुल एक नए मोड पे चली गई है कि अभी तक वो तो कुछ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ड्रग्स केस का मामला सामने आ गया है। उसके बाद में एक के बाद एक यहाँ पे व्हाट्सएप चैट है वो सामने खुलासे हो रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल था कि भाई व्हाट्सएप चैट जो आपकी है वो बिल्कुल आपकी सिक्योर है, एनक्रिप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीक नहीं हो सकती, जो आपस में अपन बात कर रहे हैं दो जने व्हाट्सएप पे तो वो केवल आपस में वो ही देख सकते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप खुद भी वो नहीं रीड कर सकता, वो सारे दावे खोखले हो गए हैं, बिल्कुल वो झूठे हो गए हैं। यहाँ पे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से सामने आ रही है, पूरी एक तरह से धज्जियाँ उड़ गई है व्हाट्सएप के यहाँ पे नियम कायदों की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखना, लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो पास में घंटी का निशान है उसको जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉक्स। तो बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं। एक क्या होता है, जब भी हम व्हाट्सअप यूज करते हैं तो हम क्या सोचते हैं हमारा चैट बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करते हैं, व्हाट्सअप यहाँ पे बैकअप कहाँ लेते हैं, अपने ईमेल आईडी पे लेते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी हम ईमेल आईडी पे बैकअप लेंगे तो आपका जो एन्क्रिप्शन यहाँ पे होता है वो खत्म हो जाता है एक तरह से। एग्जाम्पल के लिए आपकी जो भी व्हाट्सअप चैट है, चाहे से वो गूगल ड्राइव पे हो या फिर आई क्लाउड पर हो, जो भी वहाँ पे है बैकअप, वो एक तरह से सेफ नहीं है, उसका जो एनक्रिप्शन है वो वहाँ पे खत्म हो चुका, मतलब एनक्रिप्टेड नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात जो बहुत जानना आपके लिए जरूरी है वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सअप ने हमको ये फैसिलिटी दी है, तो हमको क्या है, जो 6 डिजिट का यहाँ पे कोड होता है वो यहाँ पे डालना पड़ता है, और जैसे कोई हैकर वगैरह या कोई भी आपका वो क्लोन करने की कोशिश करता है व्हाट्सअप, तो वहाँ पे जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए कोड है वो वहां पे मांगता है, वो उनके पास होता नहीं है, इस वजह से ये बहुत जरूरी है। तो अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको ये इनेबल करना है। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप ने हमको रिस्टोर के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी की यहाँ पे फैसिलिटी दी है कि जब भी आपको रिस्टोर करना होता है तो आपके क्या होता है, ईमेल से वहां से बैकअप आ जाता है, उसके बाद में आपका व्हाट्सएप रिस्टोर हो जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर गलत ईमेल आईडी का यूज करेगा तो वो रिस्टोर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप का जो भी डेटा है उसको पेन ड्राइव में या फिर आपको माइक्रो एसडी कार्ड के अंदर भी कॉपी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के अंदर जाना है जो भी आपका फोल्डर है, और वहां पे आपको फोल्डर को कॉपी कर लेना है पेन ड्राइव में या फिर आप जो भी आपका एसडी कार्ड है उसके अंदर, तो कभी भी आपको बैकअप की जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से ले सकते हैं, और वो ज्यादा आपका सिक्योर है। बस ये है कि आपका जो भी मेमोरी कार्ड है या फिर आपका पेन ड्राइव है वो इधर उधर खोना नहीं चाहिए, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें कि आपके जो गूगल ड्राइव है वहाँ पे व्हाट्सअप चैट का बैकअप है उसको डिलीट करना, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपका ईमेल आईडी और कोई एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है, तो वहाँ से वो डेटा निकाल सकता है और वो एनक्रिप्टेड भी नहीं होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने ईमेल आईडी से लॉग इन करना है, उसके बाद में गूगल ड्राइव पे जाना है, जो भी आपका बैकअप है आसानी से वहाँ से वो डिलीट कर देना है। तो आप इस तरह से वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो बैकअप अपने एसडी कार्ड या पेन ड्राइव में ले सकते हैं आसानी से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज़ करें और आप चाहते हैं उसका जो बैकअप वो आईफोन के अंदर ले ले, तो अभी तक वैसे कंपनी की तरफ से पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी सारी थर्ड पार्टी एप्स है जो यहाँ पे वो दावा करती है कि यहाँ से बैकअप आप आसानी से ले सकते हैं, उसके लिए आपको गूगल की हेल्प लेनी है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना कि वो सिक्योर होनी चाहिए, हर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करना है, और आपके उसके रिव्यूज पहले रीड कर लेने अच्छे से, उसके बाद में उसको यूज करना है ताकि आपका जो भी डेटा है यहाँ पे वो सेफ रहे। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से अपनी व्हाट्सएप चैट है उसको सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करने के साथ साथ ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में, सबके साथ में आप शेयर कर सकते हैं। वो चैनल पे नए तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटी के निशान को जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।